हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेटर टू एडिटर। हम हमेशा आपसे कहते हैं आप कॉन्सेप्ट को अगर सीख लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। आज हमारे पास है 2022 का मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, ठीक है। उसमें पूछा गया है लेटर आपको लिखना है एडिटर के लिए, ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल बेयर्स। डिस्पोजेबल बेयर्स का मतलब होता है नष्ट होने वाला सामान, ठीक है सर, या फिर बेस्ट भी लिख के आ सकता है। बेस्ट मतलब भी क्या होता है, जो खराब कचरा कूड़ा होता है, सामान होता है, उसके बारे में ये लेटर आपको लिखना है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे मजा आ गया भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, छापो और किनारे हो जाओ। नहीं सर, हमने आपको पहले भी सिखाया था लेटर कोई भी हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से जाके उसे देखिए जहां पे हमने आपको लेटर लिखना सिखाया है। हमने आपसे कहा था लेटर को आपको तीन पार्ट में लिखना होता है। नंबर एक, जो आप ऊपर वाली लाइन लिखेंगे। नंबर दो, जो बॉडी ऑफ द लेटर, मेन जो टॉपिक है उसे लिखेंगे। और नंबर तीन, आखिरी की दो लाइनें हमने आपको और बताई थी। कुछ रटने की जरूरत नहीं है। मान लिया यहां पर डिस्पोजेबल बेयर्स ना होकर ईव टीजिंग होता तो हम ईव टीजिंग कर देते, बिल्कुल भाई सही, ठीक है। नॉइज प्रॉब्लम होती, नॉइज पर कुछ भी सर, ठीक है। जो भी दिक्कतें होती है सेम लेटर आपको लिखना होता है। तो हम आपको सिखा चुके हैं क्या करना होता सबसे पहले। अच्छा, एक बात और भी है, स्टेप मार्किंग होती है दोस्तों। स्टेप मार्किंग का मतलब क्या, अगर आपने केवल इतना भी लिख दिया ऊपर वाला एड्रेस तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे देखिए एड्रेस इस तरीके से 122 आदर्श नगर आगरा। जरूरी नहीं सर आप ऐसे ही लिखें, आप अपने हिसाब से एड्रेस को लिखें सर, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और डेट डालेंगे। उसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे द एडिटर नेशनल डेली, इसमें दे रखा है मुंबई। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट डालेंगे, ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल बेयर। अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया दो से तीन नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये देखिए, इसमें यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ये पेपर निकाला गया है और यहां पर 10 नंबर में आया। यानी आपने 10 नंबर में नहीं दोस्तों, जी हाँ 10 नंबर में आया है। जैसे ही आपने सिर्फ इतना सा लिख दिया तीन नंबर आपको मिल गए। बोले सर जी अभी हमने लेटर शुरू भी नहीं किया तब भी तीन नंबर मिल गए। हाँ जी, स्टेप मार्किंग, अगर आपने इतना लिख दिया सर तो तीन नंबर आपको मिल गए। फिर आपने डाला डियर सर, एक लाइन छोड़ी डियर सर, फिर एक लाइन छोड़ के लिखा। ये लाइन सब में लिखनी है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज towards growing use of disposable bears। क्या मतलब सर, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं आकर्षित करना चाहता हूं अटेंशन उनका किनका, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज जो भी हैं, towards, अब towards के बाद ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल बेयर्स। अगर होता ईव टीजिंग तो यहां पर लिख देते ईव टीजिंग, नॉइज पॉल्यूशन तो नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, तो जो भी समस्या है towards के आगे आप लिख देंगे। यानी आप एक लेटर के साथ में 10 लेटर फ्री में पढ़ो, पहले ही सिखा चुके हैं। तो यानी इस तरीके से अब यहां से दो लाइन हमने क्या बढ़ाई, पीपल इन अवर सोसाइटी हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज ऑन रोड्स एंड सोसाइटी पार्क। यानी जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में गार्बेज मतलब कूड़े कचरे को फेंक देते हैं रोडों पे और सोसाइटी पार्क में। मैनी एनिमल्स लाइक काउस डॉग्स एंड अदर स्ट्रीट एनिमल, जो भी गली वाले पालतू पशु हैं, ईट दोज प्लास्टिक बैग्स एंड डाई, वो इन प्लास्टिक बैग्स को खा लेते हैं और मर जाते हैं। उसके बाद आप एक लाइन फिर छोड़ेंगे और यह भी सब में चलेगा, इट विल बी गुड, यह अच्छा होगा इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड कंसर्न अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, ठीक है। यानी जो अथॉरिटी है वो इस पे कुछ एक्शन लेगी, एंड सम एक्शंस विल बी अडॉप्टेड, और कुछ एक्शन लिए जाएंगे। यानी अथॉरिटी इस पर ध्यान देगी और कुछ एक्शन लिए जाएंगे। यानी दोस्तों ये दो लाइनें जो हैं, कुछ भी हो, देखिए सीधी सी बात, इट विल बी गुड, अच्छा होगा अगर आप न्यूज़पेपर में छापेंगे तो सब में लिखा जाएगा, ठीक है सर, और एक्शन लिए जाए सब में लिखा जाएगा, आपके कॉलम के जरिए हम ये लिखवाना चाहते हैं सब में लिखा है। बस यहां पे टुवर्ड्स के आगे आपको अपनी प्रॉब्लम चेंज कर देनी, जिस प्रॉब्लम पे आएगा वही आप सब्जेक्ट बनाएंगे और वही यहां पर प्रॉब्लम लिख देंगे। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक दो लाइनें लिख देंगे जैसे हमने यहां पे लिख दी हैं, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप फिर यही लिख देंगे इट विल बी गुड, आप अगर छापेंगे तो अच्छा रहेगा, अथॉरिटी की नजर में आएगा और कुछ एक्शन लिए जाएंगे। उसके बाद आप लिख देंगे थैंक यू और एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे योर्स फेथफुली, नाम नहीं लिखेंगे सर, एक्स वाई जेड आप लिख देंगे, ठीक है सर। तो हम आपको बार बार सिखाते रहते हैं कि आप देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं सर जैसा इसमें छपा है बिल्कुल वैसा ही करा के देगी। हमने आपको टोटल इसमें तीन आर्टिकल रखे थे, तीनों करा के दिए,
ठीक है, ये लेटर भी ले आए हैं, ये पेपर पूरा धीरे धीरे पूरा पेपर हल हो जाएगा, आप देखिएगा सर। ठीक है, ज्यादातर चीजें हमने आपको करा दी। कुछ लोग कह रहे सर 15 डे चैलेंज चल रहा था आपने पूरा नहीं किया, उसमें हमने केवल 26 रुपए में कोर्स दे दिया था। अभी भी एप्लीकेशन पे है वो, जाके आप हमारा जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, केवल 26 रुपए में पूरा कोर्स है, लाइन से सारी प्रोज पोएट्री दे रखी है सर। हम आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन करा दें, उसके बाद वहां पे सिलेक्टेड 4-5 क्वेश्चन ही हमने कराए हुए हैं, आप आराम से जाएंगे उसे पढ़ लेंगे। ज्यादा डिटेल जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट, हमसे 1-to-1 बात भी कर सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए, जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और हम हमेशा कहते हैं कॉन्सेप्ट पे काम करिए। देखिए यहां पर हमने आपको एक लेटर फिर से लिख के दिखाया है, लेकिन कितना बदला, केवल यहां से यहां तक 2 लाइंस बदली है, बाकी वही सब सेम लगा दिया। ठीक है सर, तो इस तरीके से डरना नहीं है, जैसा भी टॉपिक आया टॉपिक लिखा, 2 वर्ड्स के आगे लगा दिया और 2 लाइन उसके बारे में लिख के लेटर कंप्लीट हो जाएगा। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।